हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन पत्यांश किचन में। तो गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में ठंडा ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सबको तो बहुत ही पसंद होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुंह में घुल जाने वाली ये टिक्की आइसक्रीम, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और ये 15 मिनट में आप बना के इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसमें मैंने दूध डाला तो थोड़ा सा देखा आपने बबल्स ऐसे आए। तो मैंने यहाँ पे ना फुल फैट दूध लिया है, 1 लीटर लिया है। इससे आप हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लें, पका के और गाढ़ा कर लें। मतलब आधा दूध तो हमें पका के और गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध है ना, उसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं। तो अगर आप हाई फ्लेम पे दूध को पकाते हैं ना, तो आपको मिनिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे दूध को पकाते हुए। अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ऐसे स्पैचुला रख देंगे ना, तो जो दूध है ना वो बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी देख सकते हैं कम हो चुका है और जो दूध है हमारा ना गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और भी थिक होने के लिए। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच है यानी कि 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। और यहाँ पर मैंने पानी डाल के इससे अच्छे से इसका घोल बना के हमें तैयार कर लेना है। लम्प्स इसमें बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। लम्प्स रहते हैं ना तो वो दूध में जाके मतलब मिटते नहीं है, वैसे ही लम्प्स बने रहते हैं। तो आप खाएंगे ना तो आपके मुंह में आता है आटे की तरह लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो दूध है अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और जो हमारा घोल है वो भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1/4 कप डाल देंगे चीनी मीठे के लिए, और उसके बाद से यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने घोल बना के तैयार किया था वो। उसे डाल के हमें लगातार चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो जो घोल होता है ना वो जाके तले में बैठ जाता है, चिपक जाता है। तो आप इसे लगातार चलाते रहें। थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, जैसे 1 ही मिनट बाद देखेंगे कि जो घोल है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा दूध है वो एकदम स्मूथ सा, सिल्की सा नज़र आने लगता है। आपको देख के ही पता लग रहा होगा, ये देख सकते हैं कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैंने इसे ना 5 मिनट और पका लिया है एकदम लो फ्लेम पे, ये देख सकते हैं। और दूध की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। आप 1 चम्मच लेंगे तो पीछे से उसकी कोटिंग हो जाएगी अगर चम्मच लगाते हैं तो, इतना गाढ़ा है, ये देख सकते हैं। तो बस अभी क्या करना है आपको, गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। तो किसी जाली से आप इसे ढक दें। तो यहाँ पे मैंने एक जाली ले ली है, उसी से मैंने ढक दिया है। अब देखिए जो दूध है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और इस पर पपड़ी जैसा हो गया है, तो ऐसे दानेदार रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसे क्या करेंगे ना कि एक जार में डाल के और ग्राइंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट करेंगे तो बबल्स ऐसे आ जाएंगे ना, तो जो आपकी आइसक्रीम बनेगी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जार ले लिया है, जार में जो हमने मिक्सचर अपना ठंडा करके रखा है उसे ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा आपको जब क्रीमी बनाना है ना तो उसमें ना घर की जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई, उसे आप डालें। यहाँ मैंने फ्लेवर में इलायची लिया है जो कि 2 है, कुटी हुई इलायची, आप छिलका डाल सकते हैं, मैंने छिलके सही डाला है। और यहाँ पे दूध की मलाई है जो कि एकदम ताज़ी है, तो आप ज़्यादा पुराना मलाई ना लें, इससे ना आपकी आइसक्रीम एकदम मुँह में घुल जाने बनेगी और उसके बाद एकदम क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और देखिए आपको बबल्स एकदम ऐसे ही दूर से ही दिख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्लास लिया है और जो आइसक्रीम मोल्ड होता है वो लिया है, मैं दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। जिसके पास मोल्ड नहीं है वो ग्लास में या फिर जो डिस्पोजल वाला ग्लास आता है ना उसमें भी आप इजीली जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों जो हमारा आइसक्रीम वाला टूल्स है उसमें चारों मैंने भर लिया है, देख सकते हैं। और अब ग्लास में भी डाल देंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट टिफ़िन में ही बना के और आइसक्रीम स्कूप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ग्लास को मैंने थोड़ा सा ही खाली रखा है, पूरा भर दिया है। अगर चाहते हैं कि इजीली आइसक्रीम निकल जाए तो आप इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है जो कि बाद में जाके थोड़ी सी परेशानी होती है इसको निकालने में। तो यहाँ मैंने फॉयल पेपर लगा दिया है ताकि जो आइस क्रिस्टल है वो ना आए, और यहाँ इसमें भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद से इसमें का जो स्टिक आता है ना वो हम लगा देंगे, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने कवर कर दिया है।
और नाइफ से थोड़ा थोड़ा इसको हम कट कर लेंगे ताकि जो स्टिक है ना इसमें इजीली हम लगा सकें कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों में लगा दिए हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, करना आप चाहें तो करें वरना स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चारों में लगा दिया है कुछ इस तरीके से। ये इससे ऐसे करने से ये हो जाएगा ना कि जो हमारा ये सिल्वर पेपर है ना वो नीचे जाके आइसक्रीम पे बैठ जाएगा और उस पर आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे, और ये स्टिक लगाते समय भी वैसे भी नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें। मैंने ट्राई किया था लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उस पर लगा ही नहीं था। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो मैंने रात भर इसे फ्रिज में रखा था और देखिए सुबह का टाइम हो गया है। मैंने इसमें ना एक पॉलीथीन जो आती है नॉर्मल वाली जो चीनी वगैरह लाते हैं वही पॉलीथीन मैंने लगा दिया था इसमें। देखिए जो हमारे ये आइसक्रीम है कितने परफेक्ट जम के और तैयार हुए हैं। देखिए बबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, एकदम मुँह में खुल जाने वाले। ये हमारे आइसक्रीम बन के रेडी हो चुके हैं। और मैंने इसमें ना थोड़े से गुनगुने पानी लिए हैं और इसमें डिप कर दिया है। मैंने कई वीडियो में देखा है कि लोग आसानी से बहुत निकाल लेते हैं, बट ये उतना आसान नहीं होता, ये आसानी से नहीं निकलता है। मेरा तो नहीं निकला, पता नहीं सब लोग का कैसे निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कोशिश करने के बाद भी ये निकल नहीं रहा था, चाकू ही निकल जा रही थी। ये आपको लग रहा है कि आसानी से निकल गया है लेकिन ये आसानी से निकला नहीं है। फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारा आइसक्रीम है वो मेल्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे जो आपको चाकू लेनी है ना वो एकदम शार्प लेनी है, मतलब एकदम तेज धार वाली, तभी जो आपके आइसक्रीम हैं वो अच्छे से कट पाएंगे। यहाँ पे जो हमारी चाकू है थोड़ी सी मतलब ख़राब है, अच्छी नहीं है, तो इसलिए अच्छे से शेप में कट नहीं रही है। देख सकते हैं आपको कट लगाने से ही पता लग रहा होगा। लेकिन ये आइसक्रीम का टेस्ट ना फ्रेंड्स आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, सच मानिए बहुत ही अच्छा बना था, भले ये कट नहीं रहा है। और ये मेरा बेटा है ना जो बहुत नॉटी है, बार बार खोल के ये चेक कर लिया है तो ये जम नहीं पाया है और मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। देख सकते हैं स्टिक ही निकल जा रही है, लेकिन मैंने आपको इसे दिखाया, फ्लेवर तो दोनों एक ही हैं। ये एकदम मुंह में घुल जाते हैं जाके, बहुत ही टेस्टी है।